रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सरसों, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टी स्पून लिया है सौंफ, 1/2 टी स्पून जीरा, 1 टी स्पून काली मिर्च, 1/4 टी स्पून लिया है मैंने अजवाइन, 1/4 टी स्पून मेथी दाना, 1 टी स्पून लिया है कलौंजी। तो चलिए इन सभी मसालों को मैं ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लेती हूँ। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक मसाला ठंडा हो रहा था तब तक हम 1/2 किलो 500 ग्राम बैंगन को कट करके रेडी कर लेते हैं। चार टुकड़ों में कट करके रेडी करेंगे। बैंगन को कट करके रेडी कर लिया है। यहाँ मसाला भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम मसाला को पीस कर रेडी कर लेते हैं। मैंने मसाला को हल्का दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है। तो अब हम इस मसाले को डालेंगे बैंगन के ऊपर। 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 टी स्पून अमचूर पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया। यहाँ 3 टेबल स्पून सरसों का तेल भी गरम कर लिया है। तो चलिए हम इसे तेल के अंदर छौंक लगा देते हैं। हम इसे एक बार अच्छी तरीके से चला देंगे। चलाने के बाद हम इसे ढककर कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से चला देंगे। चलाने के बाद बाकी बचे हुए मसाले को भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसे दोबारा से मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे सर्व कर देते हैं। मैंने अचारी बैगन फ्राई को सर्व कर दिया है। प्लीज इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।